बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद पूर्वांचल में सियासी दखल करने वाले तिवारी कुनबा के साइकिल की सवारी किए जाने की काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। आखिरकार वो सच साबित हुए। रविवार को पूर्वांचल का तिवारी कुनबा समेत दर्जनों नामचीन हस्तियां सपा में शामिल हो गईं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दो विधायक तथा पूर्व सांसद सहित एक दर्जन नामचीन हस्तियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उनमें बसपा से विधायक विनय तिवारी, भाजपा से विधायक जय चौबे, पूर्व सांसद कुशल तिवारी, पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे, बसपा नेता संतोष तिवारी के साथ किन्नर पायल शामिल रही। संतोष तिवारी बसपा से गोंडा की कर्नैलगंज से प्रत्याशी रहे हैं। संतोष गोंडा मंडल में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। इनके साथ संजय दीक्षित भी सपा में शामिल हो गए। किन्नर पायल को पार्टी में शामिल कराने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा किन्नर सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया। पत्रकार वार्ता में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि पंडित हरिशंकर तिवारी का परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। पंडित हरिशंकर तिवारी हमारे साथ नेताजी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं। अब तो समाजवादी पार्टी का परिवार अब काफी बड़ा होता जा रहा है। अब सपा का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। मंच पे हमारे साथ सामने इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पे भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी कार्यालय की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध रहा, हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया, लेकिन उस समय प्रशासन ने इनकी बड़े पैमाने पे बेईमानी की। जनता इनको सम्मान देना चाहती थी, ये उस सम्मान के पद पर नहीं बैठ पाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आज जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आपको प्रकोष्ठ का अध्यक्ष भी बनाया गया है, प्रकोष्ठ भी का भी गठन होगा, और हमें उम्मीद है कि आप अपने समाज के लोगों को जोड़ करके उनकी समस्याओं को समझते हुए उनका क्या समाधान होगा वो समय समय पर सुझाव देंगे, जिससे कि हम आपके समाज में भी अच्छा काम करके दिखाएं। जहां से पार्टी की विजय होनी शुरू होनी है, मुख्यमंत्री जी इसलिए बनाए गए थे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। लेकिन जिस तरीके से 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, भेदभाव से काम हुआ है, जात को धर्म को देख करके काम हुआ है, और जिस तरीके से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने एक ही नारा दिया, उस नारे को उन्होंने अमल किया, डिवाइड एंड रूल कर करके जिस तरीके से वो राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज डरा करके लोगों को मार करके राज करना चाहती है। अंग्रेज अगर डिवाइड एंड रूल करके राज कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी डरा करके मार करके राज करना चाहती है। लेकिन जनता समझ गई है, आने वाले समय में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। जो बांटने का काम कर रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो, अच्छी भी बात हो, उसमें से अगर कमी निकालने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्वांचल, विशेष रूप से गोरखपुर, महाराजगंज तथा संत कबीर नगर की राजनीति में बड़ा दखल रखने वाले ब्राह्मण नेता पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार के आने से सपा भी अपने को काफी मजबूत मान रही है। विनय तिवारी और कुशल तिवारी को बसपा से बाहर करने के बाद तिवारी परिवार ने ये बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की कई सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी खलीलाबाद से बसपा से सांसद थे। उनके छोटे पुत्र पंडित हरिशंकर तिवारी की परंपरागत सीट चिल्लूपाड़ से बसपा के विधायक हैं। इनके साथ उनके भांजे उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे हैं,
संत कबीर नगर के खलीलाबाद से भाजपा से विधायक जय चौबे भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद से भाजपा के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे हाल से समाजवादी पार्टी के सदस्य हो जाएंगे। चौबे परिवार संत कबीर नगर में शिक्षा क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखता है। बहुजन समाज पार्टी ने कुछ दिन पहले ही पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार को पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद ही हरिशंकर तिवारी के विधायक बेटे विनय तिवारी की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी। यहाँ हमारा समायोजन हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं। इनका हम लोग दूसरे दल में थे, पार्लियामेंट में अक्सर इनका हमको वो मिला करता था और आज तो हम निर्देश लेने के लिए आए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जिस इलाके के हैं वहां भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी आप समझ लीजिए हमारे यहाँ पहले गिरमिटिया मजदूर बनकर के जाते थे। आज भी जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं पूर्वांचल के हैं, त्रिनिदाद के जो प्रधानमंत्री हैं आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो भोजपुरी में बड़ी मिठास थी और इसीलिए वहां गन्ने का जो रिकवरी, गन्ने की रिकवरी हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रिकवरी अगर गन्ने की में कहीं पाई जाती है तो पूर्वांचल में पाई जाती है। 14% कुछ, बाकी 8% की रिकवरी होती है।